हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेकुक एफएफ हिंदी स्पेलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। यार आप लोग पूछ रहे हो कि इसके बाद मैं कौन सा फैन फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं माफिया किंग एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि टॉप जेके बहुत लोग सुनना चाहते हो। इस पर टॉप भी था, दोनों ही टॉप ते भी और टॉप भी। तो नेक्स्ट एक्सप्लेन मैं टॉप जेके पर करूँगा, ठीक है माफिया। और जो लोग और भी कहानी सुनना चाहते हो वो लोग निराश मत हो जाना क्योंकि मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। एक एक करके मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ओके, तो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। बी जो है वो जेके को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जेके नहीं उठ रहा था, वो सो ही रहते हैं। बी बोलता है कि जेके जल्दी से उठ जाओ, अगर कोई तुम यहाँ पर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं है कि तुम यहाँ पे आए हो, जल्दी से उठ जाओ। उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, जेके आईज ओपन करते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं रात को यहाँ पे रुक गया था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। जेके जो है वो तुरंत उठ जाते हैं और तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने वाले थे, भी उसको रोक देते हैं, बोलते कि नहीं तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, बाहर सब लोग होंगे, तुम्हें देख लेंगे तो क्या बोलेंगे। बोलते ठीक है लेकिन मैं कैसे जाऊँ। तो फिर भी बोलता है कि जब सब लोग ऑफिस चले जाएंगे तब तुम चले जाना, ठीक है तुम कमरे में रहना, मैं तुम्हें बाद में बोल दूंगा। जेके बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रही हूँ। जेके बोलता है कि क्या तुम मेरे बिना ही खाने वाले हो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा क्या। बेही बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि ठीक है। भी जो है बाहर जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं खा रहे थे, उसका मन जो है सिर्फ जेके पर ही था, वो जेके के बारे में ही सोच रहे थे। कुकी समझ जाते हैं, कुकी जो है वो बियार को बोलते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मैं जानता हूँ आप जेके के बारे में सोच रहे हो ना, मैं उसके लिए बनाना मिल्क बना दिया है क्योंकि उसको बनाना मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसके लिए ये लेकर जाना, ठीक है। और फिर भी बोलता है कि थैंक्स, और फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे लेकिन वो ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे थे क्योंकि जेके वहाँ पे भूखा था, उसको भूख लगी है। कुकी जो है वो टेबल के नीचे से उसको एक बनाना मिल्क की बोतल दे देते हैं, बियार उसको लेते हैं अपनी जेब में डालते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। और फिर जेके को बोलते कि लो इसे पियो और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और भी ले आऊँगा जब सब लोग चले जाएँगे, ठीक है, और तुम तब तक इसको पी लो। और फिर जेके बोलते हैं थैंक यू सो मच, और फिर उसको पीते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं बनाना मिल्क को। बोलते हैं कि यार इसको कुकी ने बनाया है क्या, फिर बियार बोलते हैं कि हाँ एक कुकी ने दिया है तुम्हारे लिए। बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मेरा बनी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, मेरी तरफ से उसको थैंक यू बोल देना। बियार बोलते कि तुम खुद क्यों नहीं बोलते हो उसे थैंक यू। जेके बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं खुद ही बोल दूँगा। और फिर जो है यही वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। और फिर जब सब लोग चले जाते हैं वो दोनों कमरे से बाहर निकालते हैं, जेके बोलते हैं कि कुकी थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बचा लिया। फिर कुकी बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम कैसे आए रात को, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो बोलते कि नहीं बियार ने मुझे दरवाजे के अंदर से ही अंदर लिया है। फिर बोलते कि ठीक है तो तुम अब जाने वाले हो क्या, तुम थोड़ी देर रुक सकते हो फिर हम साथ में कॉलेज जा सकते हैं। तो जेके बोलते हाँ तुमने ठीक ही कहा, अब मैं घर जाके क्या करूँगा, तो यही से तुम्हारे साथ कॉलेज चले जाऊँगी, ठीक है तुम लोग के साथ। फिर बोलते हैं कि ठीक है, और वो लोग साथ में कॉलेज जाते हैं। अब जेके जो है बियार के साथ बैठे हुए थे, चिमी और कुकी साथ में बैठे हुए थे। बियार और जेके जो है वो क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को देख ही जा रहे थे और टेबल के नीचे से बहुत ही डॉटी हरकतें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जेके बियार को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। कैंटीन पे लेकर जाते हैं और कुकी और जिमी भी जाते हैं साथ में, लेकिन वो लोग एक टेबल पे बैठते हैं, जेके बियार को साइड पे लेकर जाते हैं। फिर जेके जो है वो टेबल पे बैठ जाते हैं और बियार को अपने करीब लेकर आते हैं, अपने दोनों पैरों से उसकी कमर को कस के पकड़ लेते हैं। बियार बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, जेके बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा याद आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे किस करो। तो बियार बोलते हैं कि अभी यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सब लोग हैं। जेके बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, और मैं इस तरह से तुम्हें किस करूँगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर तुम समझ लो। बियार बोलते कि यहाँ पे ये सब कुछ ठीक नहीं है। जेके बोलते हैं तो फिर ठीक है मुझे गोद में उठाओ। बियार बोलते कि पागल हो गए हो क्या, सब लोग देख लेंगे।
मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम मुझे गोद में उठाने वाले हो या नहीं। फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें उठाता हूँ, और फिर उसको गोद में उठा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि तो फिर ठीक है वॉशरूम लेकर जाओ। क्योंकि ये बात सुन के प्यार बहुत ही शौक हो जाते हैं, लेकिन क्या करता, फिर वो उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और वो वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों डोर को लॉक करते हैं और फिर यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे चिमी और कुकी जो है उन दोनों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे थे। ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये लोग नहीं मिल रहे थे। ये दोनों को ढूंढते ढूंढते चिमी और कुकी जो है वो बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं इन दोनों को ढूंढते ढूंढते। तो आखिर में जब कॉलेज के गेट बंद होने वाले थे तब उन दोनों की होश आते हैं और जल्दी से बाहर निकल के आते हैं। वो दोनों अपनी बाल ठीक करते हैं, कपड़े को ठीक करते हैं और फ्रेश हो जाने के बाद बाहर चले आते हैं। तो चिमी बोलता है कि प्यार तुम लोग कहाँ चले गए थे। वो लोग बोलते हैं कि वो हम दोनों जो है यू ही यहाँ पे था, क्यों तुम लोग को नहीं मिला क्या। फिर कुकी बोलते हैं कि तुम बहुत ही नॉटी हो, तुम जानते हो तुम लोग कहाँ पे थे। और फिर चिमी बोलते हैं कि कहाँ पे थे दोनों। तो कुकी बोलते हैं कि ये लोग वॉशरूम पे थे शायद, क्योंकि हमने सब जगह पे ढूंढ लिया था, सिर्फ वॉशरूम पे ढूंढना भूल गए थे। क्या तुम लोग दोनों वहाँ पे था क्या। फिर प्यार जो है शाई फील करते हैं, वो सर झुका लेते हैं। चिमी बोलता है कि मेरा प्यार जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट निकले हाँ। क्योंकि बोलते हैं कि ये सब जेके की वजह से है, मैं जानता हूँ। प्यार बहुत ही शाई फील करते हैं, लेकिन जेके ने मेरी प्यार को बहुत ही नॉटी बना दिया है। और फिर वो लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं घर घर। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं और आखिर में शादी का दिन आ ही जाता है और इन चारों जोड़ियों की शादी जो है हो जाता है। और मैं इस शादी को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगी, क्योंकि चार जोड़ियों की शादी है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, बहुत लंबी हो जाएंगे। तो शॉर्ट करके शादी को ख़त्म कर देते हैं। और आप लोगों की फास्ट नाइट है, तो यहाँ पे जो है हमारा कुकी ते और जेके भी, और चिमी तो योंगी के साथ उसके घर पर था। योंगी जो है चिमी को गले लगा लेते हैं और चिमी बहुत ही शाई फील कर रहे थे। चिमी जो है योंगी को बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर जो है तुम हो, क्योंकि तुम बहुत जेंटल हो, बहुत अच्छे हो। और योंगी बहुत ही शाई फील करता है ऐसे भी, लेकिन जब हॉट सेशन की बात आते हैं तो योंगी भी कुछ कम नहीं। वो चिमी की कपड़ों को खोलने लगते हैं। चिमी बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहे थे और योंगी अपने कपड़े को चिमी को खोलने के लिए बोलते हैं। चिमी बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रही है। योंगी बोलते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मेरे कपड़े को खोलो। और फिर चिमी वैसा ही करते हैं और योंगी उसको बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड पर लेकर जाते हैं। और फिर चिमी की पूरी फेस पे बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे। चिमी बहुत ही रेड हो रहे थे शाई के मारे और उसके होठों पे जो है अपनी होठ रख देते हैं। योंगी अपनी टांग जो है चिमी की मुँह के अंदर डाल देते हैं और उसे सक करने लगते हैं। और चिमी आप उसको बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं। और अभी जो है योंगी धीरे धीरे से नीचे उतरने लगते हैं और जिमिन की जो है उसकी एब्स पे किस कर रहे थे, उसकी एब्स पे अपनी टांग से सक कर रहे थे। इस वजह से जो है जिमी की नेल से योंगी की बॉडी पे निशान बनाने लगते हैं। योंगी को दर्द हो रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उसको पता है क्योंकि चिमी के ऊपर क्या बीत रही है। और यहाँ पे हमारा होबी और योंगी जो है वो दोनों भी एक दूसरे के रोमांस में खोए हुए थे। योंगी अपने कमरे में बैठे हुए थे, होबी जो है कमरे के अंदर जाते हैं, देखते हैं योंगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो उसकी घूंघट को उठाते हैं और उसको जाके तुरंत किस कर लेते हैं। होबी बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते हैं, कुछ बातें भी नहीं करते। योंगी बोलते हैं कि आप आते ही शुरू हो गए हो। होबी बोलते हैं कि मैं नहीं रुक पा रहा हूँ खुद को, मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है तुम्हें पाने के लिए, आज मैं नहीं सुनने वाला हूँ तुम्हारी। और वो तुरंत ही उसके ऊपर आ जाते हैं और योंगी की नेक पे बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं और लव बाइट बनाने लगते हैं। फिर योंगी की दोनों हाथों को बिस्तर के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं और उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग से सक करने लगते हैं। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हंगरीली किस कर रहे थे और अब बहुत देर तक ये दोनों किस करते रहते हैं ऐसे ही। फिर जो है हमारा ते कुक और भी जेके, वो लोग भी अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थे। ये दोनों तो क्या बोलूँ कितने बार कर चुके होंगे पता नहीं। ते कुक और जेके और भी जो है वो लोग तो अभी अभी मिले थे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये दोनों भी कुछ कम नहीं। ये दोनों ने भी इन दो दिनों में बहुत कुछ किया है। तो आज फास्ट नाइट है तो कैसे छोड़ सकते हैं। जेके तो बहुत ही बेताब था,
लेकिन यहाँ पे भी और तेज जो है कुछ शरारत करने के बारे में सोचते हैं। दोनों ही सेम कपड़े पहनते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे। और आप जो है ते जेके के पास चले जाते हैं और भी कुकी के पास चले जाते हैं। इन दोनों भाई जो है जानबूझ के ये सब कुछ करते हैं। कुकी जो है ब्यार को देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो तुरंत उसको पहचान लेते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ आप ब्यार हो। वो बोलते हैं कि तुमने कैसे पहचान लिया, क्योंकि आज तो मैं बिल्कुल तेज की तरह लग रही हूँ ना। लेकिन कुकी बोलता है नहीं, अब उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो लेकिन मेरी तेज नहीं बन सकते हो, क्योंकि मेरी तेज जो है उसकी आंखों पे मेरे प्यार वो कुछ अलग सा ही शाइन करते हैं। और उसको देखते ही मुझे अपने हार्ट बीट जो है बहुत ही ज़ोर से धड़कने लगते हैं, और आपको देख के मैं अच्छा तो फील करता हूँ लेकिन मेरा हार्ट बीट नहीं बढ़ते हैं, तो मैं अपनी तेज को मिस कर रही हूँ। प्लीज़ उसको भेज दीजिए, क्योंकि आज हम दोनों का फर्स्ट नाइट है। तो भी बोलते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे ते भी जेके के पास जाते हैं, लेकिन जेके जो है वो बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रो, भी कहाँ पे है। ते भी की तरह बात करने की कोशिश करता है, बोलते हैं कि जेके तुम क्या बोल रहे हो, मैं ही तो हूँ। लेकिन जेके बोलते नहीं, ये मेरा ब्यार नहीं हो सकता है, तुम ते हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, मजाक करने की अब वक्त नहीं है, ठीक है। आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है, मैं इस टाइम को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता हूँ, प्लीज़ मेरी ब्यार को बुलाओ। और ते मुस्कुराते हैं, बोलते ठीक है, तुम दोनों पास कर चुके हो, तुम दोनों प्यार जो है सच्ची तरह से करते हो और कोई भी तुम लोग को धोखा नहीं दे सकता है। ते अपने कमरे में चले जाते हैं, ब्यार अपने कमरे में चले आते हैं। जेके जो है तुरंत ब्यार को गले लगा लेते हैं, उसकी पूरी फेस पे किस करने लगते हैं, उसकी गले पे किस करते हैं, लव बाइट बनाने लगते हैं। ब्यार बोलता है कि क्या हुआ, रुक जाओ, ये हम आराम से भी कर सकते हैं, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। जेके बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तुम ऐसा कभी शरारत मत करना मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारी ये शरारत, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ब्यार, मैं तुम्हारे साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करता हूँ कि तुम मुझसे अगर एक सेकंड भी अलग रहोगे ना मैं पागल हो जाता हूँ। और तुम कभी भी ऐसा मत करना, ते को क्यों भेजा है तुमने, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ रहे। ब्यार बोलते कि वो तो हम दोनों ने यूँ ही किया था तुम दोनों को ट्राई करने के लिए कि तुम दोनों हम लोग को पहचानते हो या नहीं, क्योंकि अब हम एक घर में रहने वाले हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे समझ के ते को गले लगा लेते हो फिर किस कर लेते हो, इसलिए हम लोग श्योर हो रहे थे। जेके बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं धोखा खा सकते हैं, मैं तुम्हें लेकर कभी भी डाउट नहीं फील करता हूँ, ते और तुम बिल्कुल एक जैसे हो लेकिन तुम बहुत अलग हो उससे, तुम्हारा नेचर अलग है, तुम्हारी आइज़ अलग है, तुम्हें ते के साथ कभी भी मिक्स नहीं कर सकता हो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। और फिर उसको दोबारा से किस करना शुरू कर देते हैं। अब ब्यार के कपड़े को खोलने लगते हैं, ब्यार भी जेके के कपड़े को खोलते हैं और फिर उसकी फेस से लेकर उसकी बॉडी पे किस करते रहते हैं, उसकी एब्स को बहुत ही अच्छी तरह से अपने हाथों से छू रहे थे। जेके बहुत ही हॉट फील कर रहे थे, उसकी एब्स पे अब टांग से सक करते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। और ऐसे ही जो है ये दोनों अपने प्यार में बिल्कुल भी खो चुके थे, इन दोनों को अभी कोई अलग नहीं कर सकते हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। जेके उसको बहुत ही कस के पकड़ के रखा था, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई अलग करने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह से ब्यार को पकड़ के रखे थे। और वो दोनों जो है अब अपने प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे, एक दूसरे को बहुत ही हंगरीली किस कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा कुकी बेचारा वो तो रो रहे थे, ते कमरे में आके देखते कि बनी रो रहा है, वो उसको गले लगा लेते हैं। बनी तुरंत अपनी टाइगर की गोद में उड़ जाते हैं, वो उसको कस के पकड़ लेते हैं। टाइगर बोलता है कि बनी क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम लड़की थोड़ी हो और तुम तो कब से मेरे साथ इस घर पे रह रहे हो, तो आज क्यों रोना है, आप तो जेके भी हमारे घर पे रहने वाले हैं। कुकी बोलता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, आपने ब्यार को इस कमरे में क्यों भेजा था, आप क्यों नहीं आए, क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो ते बोलते हैं इसमें डरने की क्या बात है, हम दोनों सिर्फ यही ट्राई करना चाहते थे कि तुम दोनों हम दोनों को पहचानते हो या नहीं,
क्योंकि आज जो है आज से हम सब लोग घर पे एक साथ रहने वाले हैं। और अगर कभी तुम बिहार को मुझे समझ लो तो, क्योंकि बोलता है इन दिनों से मैं इस घर पे ही रह रहा था, मैंने ऐसा गलती कभी भी नहीं किया है तो आज क्यों करने लगा। मैं बिहार को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ऐसी गलती कभी भी नहीं होंगे। और फिर ते बोलता है कि तो फिर ठीक है, लेकिन कुकी बोलता है कुछ ठीक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं आप जेके को मुझे समझ के प्यार करने लग जाओगे और उसको हक करोगे, किस करोगे कभी भी, ऐसा तो नहीं करोगे ना। ते बोलते हैं कि कभी भी नहीं, तुम जो है बहुत ही ज़्यादा खास हो बनी मेरे लिए, मैं तुम्हें हमेशा पहचान लूँगा। जेके इस घर पे रहने वाले है ठीक है, तुम्हारे मन में यही चल रहा है ना, अब से जेके भी इस घर पे रहने लग जाएंगे तो मैं जेके को तुम्हें समझ के कहीं ना कर लूँ, किस ना कर लूँ या फिर वो सब, ऐसा कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपनी बानी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और बनी जो है उसको बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते टाइगर कभी भी ऐसा मत करना तो फिर मैं जो है मर ही जाऊँगा। ये बात सुन के ते तुरंत उसको किस कर लेते हैं और फिर बोलते हैं ऐसी बातें कभी भी मत करना ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बनी के बिना नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि तुम मेरे लाइफ हो, तुम मेरे वर्ल्ड हो, अगर जिस वर्ल्ड में तुम नहीं होंगे ना वहाँ मैं रह के क्या करूँगा। और फिर उसको तुरंत दूसरी बार किस करते हैं और वो जो है बहुत ही डीप किस था, बहुत ही हॉट था। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस कर रहे थे। आखिर में बानी को जो है बेड पर लेटा देते हैं और उसकी पूरी फेस पे किस करते, फिर एक हाथों से कुकी के बालों को छू रहे थे, दूसरी हाथों से उसकी बॉडी को फील कर रहे थे, बहुत ही हॉट तरीके से कुकी की बॉडी को छू रहे थे। कुकी अपने दोनों हाथों से ते की बैग को पकड़ लेते हैं और बहुत ही प्यार से उसको छू रहे थे। और फिर कुकी जो है वो टाइगर के ऊपर आ जाते हैं, फिर ते की एब्स पे किस करने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे जो है लाल निशान बनाने लगते हैं। और ऐसे ही वो बहुत ही प्यार से उसको छू रहे थे, बहुत ही हॉट तरीके से। अब ते बहुत ही हॉट हो जाते हैं और एक दूसरे को, वो दोनों बहुत ही हंगरीली किस कर रहे थे और एक दूसरे की माउथ के अंदर टंग से सक कर रहे थे। और दोबारा से ते जो है कुकी को पलट देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और फिर उन दोनों के बीच में जो है लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस, इस पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन मैं इन सारे लोगों की रोमांस को तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी और इतना ज़्यादा रोमांटिक और हॉट होना अच्छा भी नहीं है, तो फिर मेरी वीडियोज़ की बराबर जाएंगे। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की इंतज़ार करना। इस कहानी की कुछ और ही पार्ट बनाऊंगी मैं, उसके बाद मैं माफिया किंग शुरू कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।